अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त शाहिद खान और आप देख रहे हैं फोटोशॉप स्किल्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम कटिंग करेंगे विद पेन। पेन टूल जो है बहुत अच्छी कटिंग करता है। ये फर्स्ट वन है पेन टूल, और जहाँ पर सर्कल आता है, राउंड शेप आती है, तो वहाँ पर ये कटिंग बहुत अच्छी करता है। और दूसरा, सेकंडली हम डिजिटल बैकग्राउंड लगाएंगे कि वो कैसे लगती है डिजिटल बैकग्राउंड। तो चलें शुरू करते हैं। फर्स्ट सेलेक्ट इमेज, एनी इमेज यू कैन, बस कोई सा भी आप इमेज निकालें और कटिंग देखें कटिंग कैसे हो रही है। इमेज अब थोड़ा सा ये वाला इस बेटर लग रहा है इसमें। इसमें फिर मैं डिजिटल बैकग्राउंड चेंज करूँगा, वो देखें आप कैसे यूज़ होती है। तो ये इमेज आ गया और ये पेन सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वन है पेन टूल। अमूमन इससे बहुत कम लोग कटिंग करते हैं, तो हम इससे कटिंग करते हैं। कटिंग बहुत अच्छी है इससे, देखें। एक्चुअली काम का एक्सपीरियंस तो है, लेकिन बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा। तो आप बोर मत होइएगा, साथ साथ ये काम करते हैं, देखते जाइए कटिंग टूल। यहाँ पर आपने, अच्छा ये देखिए, जहाँ पर गुलाई आएगी ना, राउंड शेप आएगी, सर्कल आएगा ऐसे, वहाँ पे आपने इसे माउस से थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा ऐसे माउस से घुमाना है, मूव करना है माउस के साथ, तो ये ऑटोमेटिकली वो उसी शेप में आपको सेलेक्ट करेगा। ये देखें बिल्कुल इजी होकर ऐसे इस तरीके से। इस बार सऊदी अरब में भी बहुत ठंड पड़ रही है, तबूक में बहुत ज़्यादा ठंड है। दो दिन से मौसम जो है वो काफ़ी, एक्चुअली ये साथ उर्दन का बॉर्डर है, तो इस वजह से तबूक में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है बनिस्बत दूसरे शहरों के सऊदी अरब के। ये देखें, ये यहाँ से गुलाई, शोल्डर पे से किस तरह गुलाई आई, इस तरीके से इसको कटते जाएं। और हाँ, अब आपको इसको मूव कैसे करना, जब आप स्पेस का बटन दबाएंगे तो वहाँ पे ये देखें हाथ का निशान आ जाता है, ठीक है, ये छोड़ा तो वापस पेन आ जाता है। ये स्पेस दबाएंगे तो आपको दिखेगा कि वो निशान चेंज हो रहा है, ये देखें साइन, ठीक है। तो जब साइन चेंज होगा तो इसको फिर ड्रैग करना है पकड़ के माउस के साथ। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये देखें इस तरीके से इसकी कटिंग करते जाएं। आप स्लो स्लो करें, आराम से, कोई इतनी जल्दी नहीं है कि आप बहुत तेज़ तेज़ करें, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी स्पीड उसी तरीके से तेज़ होती जाएगी। लेकिन पहले फर्स्ट क्या है कि आपकी एक्सपीरियंस आपको कटिंग का होना चाहिए। ये देखें, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उसका फिर फ़ायदा नहीं है, इसलिए शॉर्ट टाइम में काम ख़त्म करना है। और सुबह मैंने जो वीडियो बनाई थी वो अपने उधर जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ की है, स्टूडियो की, जिस स्टूडियो पर मैं काम करता हूँ। ये देखें इस तरीके से, तरीके के साथ इसको आप कटिंग करते हैं ऐसे।
जो काम करने वाला आदमी है वो ये पेन टूल ही यूज़ करता है, और जिसको नहीं पता उनको पता नहीं है कि पेन टूल से भी कटिंग होती है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा और ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। इस तरीके से आप उसकी सिलेक्शन जो है ना, थोड़ी सी स्पीड में बनाता हूँ ताकि मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ख़त्म हो इसकी कटिंग, इसलिए बोल नहीं रहा मैं। बोलने का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और बोलने से अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्ट करते हैं वो। लेकिन आई होप कि आप मेरे काम से अट्रैक्ट करेंगे। ये देखें, ये कटिंग इसकी हो गई। उसके बाद आप इसको हमेशा लेयर यूज़ करें, लेयर ये होती हैं यहाँ पर, और इसको फीदर ज़रूर मारिएगा। जैसे ये कटिंग आप कर लेते हैं ना, इस तरह सेलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना और फीदर का साइन ढूंढना। फीदर का साइन नहीं है तो फीदर आपने, फिर फीदर का साइन ये आ गया, राइट क्लिक करें फीदर, और दो से ज़्यादा नहीं मारना फीदर, दो या तीन मैक्सिमम। ये दो का फीदर आ गया, ओके कर दें। उसके बाद कंट्रोल जे कर दें, कंट्रोल जे करेंगे तो यहाँ पर लेयर इसकी बन गई है। देखें लेयर बन गई है। इस लेयर को, एक को इसको ऑफ कर देंगे यहाँ से, तो आपकी ये कटिंग हो गई। ठीक है, समझ आई? इस आँख के जो निशान को आप क्लिक करेंगे तो एक जो फर्स्ट वन थी वो कट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और जो लेयर है वो रह जाएगी। अंडरस्टूड? इसको आँख के निशान को हमने यहाँ से क्लिक करना है, ये देखें वापस आ गई, ये फिर चली गई। उसके बाद आप लेयर को इसको वापस कर दें और इसको थोड़ा साइड पे कर दें। अब जो देखें कटिंग आपने समझ ली कैसे है, यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग है वो भी मैं ख़त्म करता हूँ अभी। उसको भी ख़त्म कर देते हैं, इसको ऐसे करके। ये देखें इसको इस टूल से, ये देखें मैं ये दूसरा टूल यूज़ करके दिखा रहा हूँ आपको, ये भी एक साथ है। ये देखें, पता होना चाहिए आपको, नॉलेज होना चाहिए सारा। कटिंग फिर आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी आप करें, लेकिन जब नॉलेज नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए सारा। ये देखें इस पे, ये फीदर दो का मारने के बाद डन डिलीट, ओके, ये आपको डिलीट हो गई इसकी। उसके बाद डी सिलेक्ट कर देंगे। अंडरस्टूड? फिट ऑन स्क्रीन। अब ये कटिंग आपने देखी कि इससे, इसके साथ पेन टूल के साथ हमने की है, बड़ी ज़बरदस्त स्मूथ कटिंग हुई है, बड़ी जैसे एक कारीगर आदमी करता है। उसके बाद हम मंजर जो आपने लगाना है उसके पास जाएंगे, मंजर देखेंगे, मंजर कौन सा लगना चाहिए इसको। मंजर के लिए हमें यहाँ पे चेक कर लेते हैं मंजर, कोई अच्छा सा डिजिटल देखते हैं जो समझ आए। मंजर को इसमें टेंशन नहीं लेनी, मंजर ऐसे है ऐसे फिक, मंजर को फिट करना ज्यादा जरूरी होता है। कैसे करना है अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इसमें उसके बाद आप इसको ऐसे करें, यहां से इसको ड्रैग करके इधर ले जाएं, ठीक है, यहां से इसको शक्ल इसकी चेंज कर लें, यहां से पकड़ें,
इसको ऐसे कर दें, ठीक है। उसके बाद लेयर बनी हुई है, लेयर को आप डाउन करने के लिए कंट्रोल ब्रैकेट दबाएंगे तो ये लेयर नीचे जानी शुरू हो जाएगी, और कंट्रोल ब्रैकेट राइट साइड वाली, राइट साइड की दबाएंगे तो अप होगी, लेफ्ट साइड की दबाएंगे कंट्रोल ब्रैकेट तो डाउन जाएगी। यहाँ पे आप देखें कि इसका जो है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कर लेंगे अपनी, यानी फिट करना उसको हमने, ये आपका मंजर इसको डीसेलेक्ट हो गया। देखें ये आपका डिजिटल मंजर कैसा लगा, इसको जैसा करना चाहते हैं आप कर लें, यहाँ से थोड़ा सा और उस तरफ कर दें इस तरीके से, ये आपका डिजिटल मंजर लग गया। कटिंग कैसे की वो भी आपने देख लिया, और डिजिटल मंजर कैसे लगाया वो भी आपने देख लिया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, कुछ समझ ना आ रहा हो, कुछ किसी चीज़ के बारे में आप पूछना चाह रहे हो तो बिला झिझक आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।